गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का आज ही के दिन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम में। काफ़ी दिन से थ्योरी की क्लास नहीं हुई थी, मुझे भी अजीब सा लग रहा था और आपको तो लगता ही है जो पढ़ने वाले हो, बाकियों को नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा चलो, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी थ्योरी की क्लास की। देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोशिकाएँ क्या होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी मैंने लगभग उसमें बता दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें जो थोड़ी सी चीज़ें बाकी थी उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। टू द पॉइंट चीज़ें होंगी और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होंगी सभी के सभी एक दिन के एग्जाम के लिए। चलो आते हैं पहली चीज़ पर। देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, जो बहुत पॉइंट वाली चीज़ें हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला पार्ट क्या लिखा है, जो कोशिका की संरचना होती है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल को ही कहा जाता है क्या, कोशिकांग। स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही कहा जाता है ऑर्गेनल्स, इसी को कोशिकांग कहते हैं। कहीं पर अगर कोशिकांग लिख के आता है तो इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका की संरचना की बात कर रहा है। कोशिका तीन प्रकार की होती है, पहली सेल वॉल, दूसरी प्रोटोप्लाज्म और तीसरी वैक्यूल्स यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, जीव द्रव और तीसरा वैक्यूल यानी कि जिसको राजधानी कहते हो या रिक्तिकाएं कहते हो, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट सेल के विषय में, कोशिका भित्ति के विषय में। देखो समझो, सबसे पहले ध्यान रखना कि कोशिका भित्ति हमेशा पौधों में होती है, पादप में होती है, जीव में नहीं पाई जाती है सेल वॉल। दूसरी, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट, ये सबसे बाहर की परत होती है और सबसे आउटसाइडर लेयर होती है, सबसे बाहर परत होती है, एक्सटर्नल लेयर कह सकते हो, ठीक है। इसका निर्माण जीव द्रव्य के द्वारा स्रावित पदार्थों से, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो जितने भी चीज़ों को सिक्रेट करता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जीव द्रव का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म, जितनी भी चीज़ों को सिक्रेट करता है, जितने भी सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है उसके द्वारा होता है। किसका, कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा यानी कि कोशिका द्रव्य, जीव द्रव के द्वारा स्रावित पदार्थों से होता है, जिसको क्या कहते हो, सेक्रेटरी प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैसी होती है, मोटी होती है, मजबूत होती है, छिद्रयुक्त होती है और निर्जीव होती है। सबसे बड़ी बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल, कभी क्वेश्चन पूछ दिया है कि सेल वॉल कैसा है, सजीव है, निर्जीव है, तो आपका जवाब क्या होगा, जो पौधों की कोशिकाएं भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो कैसी होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। मजबूत होती है, मोटी होती है और छिद्रयुक्त होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोशिका विभाजन की अंत्य अवस्था यानी कि लास्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन, उसी को बोला जाता है क्या, अंत्य अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, टेलीफोस, टेलोफोस, ठीक। क्वेश्चन कभी पूछा कि कोशिका विभाजन की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेलोफेस। के समय में अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि छोटी छोटी नलिकाओं से बनती है, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं, किसके, किसी भी सेल वॉल के, कोशिका भित्ति के तीन भाग होते हैं। कैसे बनती है, कोशिका यानी सेल डिवीजन की अंत्य अवस्था यानी कि लास्ट स्टेज जिसको टेलोफेस कहते हैं, उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की छोटी छोटी नलिकाओं से बनती है सेल वॉल, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार अगर मन से आँख बंद करके पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तीन परत होती हैं, पहली होती है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरी होती है टेरिटरी सेल वॉल, ठीक है। क्या होती है, टेरिटरी सेल वॉल, हिंदी में बोलते हैं तृतीयक सेल वॉल। अब इसका एक चौथा पार्ट भी होता है, किसका, सेल वॉल का यानी कि प्लांट सेल का जो होता है, इसका चौथा पार्ट भी होता है, जिसको चौथा पार्ट भी होता है, जिसे मध्य पटल कहते हैं यानी मिडिल लैमेला कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला, मध्य पटल कहते हैं, क्लियर। अब जरा देखो आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखना, ठीक है, समझो, ये आपको एक कोशिका दिखाई दे रही है, एनिमल सेल दिखाई दे रही है। अब क्योंकि ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, तो इसमें क्या नहीं होगा, एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल तो होती नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको एज इट इज दिखाई देंगे। जो अंदर वाला पदार्थ है यही जीव द्रव्य कहलाता है, यही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, इसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पे क्या दिखाई देगा, आगे बढ़ने में हम लोगों को दिखाई देगा एक नया पार्ट जिसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, जानना जरूरी है ना क्या होता है। दूसरा पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं,
जरा देखो, प्लाज्मा झिल्ली को जीव कला भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन लिख के आता है प्लाज्मा झिल्ली नहीं लिखता, उसकी जगह क्या लिखता है, जीव कला लिखता है, सेल मेम्ब्रेन लिखता है। सेम कंडीशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका भित्ति को ही जीव कला भित्ति भी कहते हैं, अलग कुछ नहीं है भी कहते हैं। या कोशिका द्रव्य, समझो जीव द्रव्य जो होता है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, और कोशिका का द्रव्य होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। की बाहरी सीमा है कौन, प्लाज्मा झिल्ली किसी भी कोशिका द्रव्य की, अगर ये कोशिका का द्रव्य है अंदर का, तो उसका ये जो आउटर लेयर होगी इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसी को क्या कहा जाता है, कोशिका का द्रव्य, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के अणु तथा आयन को अंदर जाने पर क्या करती है, कंट्रोल करती है, मॉलिक्यूल्स और आयन्स को अंदर जाने पर क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। अब जरा देखो, इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हो, इन्हें दो और नाम से जाना जाता है, किससे किससे, इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आगे बढ़े, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशा झिल्ली जिसे कह सकते हो, ये जंतुओं में और वनस्पतियों में दोनों में पाई जाती है, दोनों कोशिका में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन मत, इसलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, जंतु कोशिका की यानी एनिमल सेल की सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है, जबकि वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी परत होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अगर प्लाज्मा झिल्ली की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, और ये किसी एनिमल सेल में है, तो एनिमल सेल में क्या होगा, सबसे बाहरी परत होगी। और अगर ये किसी प्लांट सेल यानी वनस्पति कोशिका की बात की जा रही, अगर ये किसी प्लांट सेल की बात की जा रही, तो उसमें वो सेकेंड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, सेकेंड लेयर होती है, बोलो ठीक है, कैसी लेयर होती है, सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े, देखो, या किसी, अच्छा पूछा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा, ये किससे बनी होती है, तो भैया ये वसा यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे किससे, वसा और प्रोटीन से मिलकर क्या होती है, बनी होती है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, इसके डायग्राम को जरा समझते हैं। ये अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये पार्ट जो होता है इसी को ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेल डिवीजन की जो अंत्य अवस्था थी टेलीफोज टेलोफेज, उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटी छोटी कोशिका धानियों में बढ़ जाता है। ये जो है ना, यही पार्ट है, इसी से कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, डायग्राम आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो ये है सेल वॉल, ये जो सबसे बाहरी परत है ना, यही है प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, ये सेल मेम्ब्रेन, किसमें, एनिमल सेल में। अगर ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, देखो लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, अगर ये प्लांट में होती तो दूसरी लेयर होती, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट होता, ये वाली लेयर होती, तो उसका मतलब वो प्लांट सेल है, ठीक। और यहाँ पर ये दूसरी परत है, तो इसका मतलब ये डायग्राम जो है वो किसका है, ये डायग्राम जो है वो है प्लांट सेल का यानी वनस्पति कोशिका का, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब आता है कोशिका का दूसरा पार्ट, सेल स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट, जिसे कहते हैं जीव द्रव्य कला यानी कि प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब जरा देखिए, जरा ध्यान से, जीव द्रव्य कला यानी कि प्रोटोप्लाज्म, देखो क्या लिखा है, कोशिका के अंदर सारे पदार्थ को, जितने भी पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर, उन्हें सबको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, जिसमें जीवों में होने वाली सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, क्रिएट होती है। कोशिका के अंदर जितने भी जीव होंगे, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म कहलाएंगे, और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर, सारी की सारी क्रियाएं इसी के अंदर संपन्न होती है, किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के, ठीक। इसीलिए इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार। कोशिका को फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में जितनी भी बायोलॉजिकल यानी कि जीव से संबंधित, जीव द्रव्य कला से संबंधित जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, वो सब उसमें होती हैं, जीव द्रव्य में, प्रोटोप्लाज्म में। इसीलिए इसको कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, किसको, प्रोटोप्लाज्म को। अब इसका खोज पुरकिंजे ने 1840 और HB मोहल ने 1846 में इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रखा था, दोनों लोगों ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कैसी होती है, रंगहीन होती, मतलब कलरलेस होती है, अर्ध पारदर्शक यानी सेमी ओपेक होती है, और अर्ध तरल यानी कि सेमी लिक्विड होती है, ठीक है।
60 से 80% तक इसमें पानी होता है। किसमें? प्रोटोप्लाज्म का जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें 60 से 80% तक क्या होता है? पानी। और बाकी चीजें होती है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, घुले हुए पदार्थ होते हैं, जैसे शक्कर, नमक, खनिज लवण, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर आती बात, इस प्रकार के घोल को क्रिस्टली घोल कहते हैं। किस प्रकार के? जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होंगे उसका जो सोल्यूशन होगा वो कहलाता है क्रिस्टलीय सोल्यूशन, ठीक है। और जितने भी अकार्बनिक कंपाउंड होंगे, कार्बनिक तत्वों और प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? कोलाइडल घोल। देखो, कार्बनिक तत्व और प्रोटीन, जैसे कार्बनिक तत्व कौन होगा? जिसमें कार्बन होता है, प्रोटीन और वसा, लिपिड। इसका जो घोल होगा वो होता है कोलाइडल घोल, कोलाइडल सोल्यूशन। क्वेश्चन पूछ देता है ना कि कोलाइडल घोल कहाँ होता है, आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म में। क्रिस्टलीय घोल कहाँ होता है, आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म में। कोलाइडल घोल किसका बना होता है? कोलाइडल घोल प्रोटीन और वसा का मिश्रण होता है, ठीक है। और पूछ दिया क्रिस्टलीय घोल किसका होता है, तो नमक, शक्कर, चीनी, जितने भी मिनरल्स होंगे उन सबका सोल्यूशन कहलाता है क्रिस्टलीय सोल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ गई, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखो, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सेल, सेल में होता है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कला, उसमें होता है, फिर उसके अंदर आता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, फिर उसके बाद बनता है सिस्टोल, सारी की सारी अभिक्रियाएं। ये डायग्राम जो है ये है प्रोटोप्लाज्म का, देखिए जरा प्रोटोप्लाज्म समझना। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। अंदर जब जाएंगे अंदर की तरफ, ये वाला जो रेड वाला हिस्सा, ये इसका नाभिक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जरा देखो, ये जो हिस्सा इसमें छोटा सा, ये पूरा वाला पार्ट न्यूक्लियस था, लेकिन असली न्यूक्लियस ये छोटा वाला पार्ट है। यहां पर ये जो क्रीम कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, क्रीम कलर, ये साइटोप्लाज्म है यानी कि इसका कोशिका का द्रव्य है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ है? जो अणु की मेम्ब्रेन होती है, जो इसका जो अणु होता है उसकी जो झिल्ली है, ये ऊपर वाली परत है, ठीक, समझ आए। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आगे देखो, तीसरा पार्ट होता था वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं। क्या होता है? वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं। एक मिनट दीजिएगा, चलो ठीक है। देखो, रसधानियां यानी कि रिक्तिकाएं। अब जरा इसकी बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो ये कहां होती है? प्रायः किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। वैक्यूल जो होती है, रसधानियां, किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। आकार कैसा होता है, ध्यान से सुनना, ये वेरिएट करती है आकार के हिसाब से। क्या होती है? वेरिएट करती है। इसका आकार छोटा तथा संख्या अधिक होती है, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, व्हेन द वैक्यूल्स बी मैच्योर, तो अब पहले इनका आकार कैसा था? छोटा। परिपक्व होंगी तो कैसी हो जाएंगी? बड़ी। आदमी परिपक्व हो गया तो इनका आकार काफी बड़ा हो जाता है और संख्या कम हो जाती है, ठीक। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म की एक पतली सी झिल्ली मेम्ब्रेन होती है, पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन पूछा कि टोनोप्लास्ट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि वैक्यूल्स के चारों तरफ, राजधानियों के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसी को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये जो वैक्यूल्स होती है जिसको रसधानी कहते हो, जैसे इसका नाम है रसधानी, तो इसके अंदर क्या होगा? लिक्विड होगा, जिसे वैक्यूलर सैप कहते हैं, जिसमें ये सारी चीजें होती, ठीक। जो कोशिका द्रव्य होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, जीव द्रव होता है, जिसको कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि सेल स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट था सेल वॉल, दूसरा था प्रोटोप्लाज्म, तीसरा है वैक्यूल्स यानी कि रसधानी। जो दूसरा पार्ट था उसका यानी कि प्रोटोप्लाज्म, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस, जैसा मैंने आपको बताया था। कोशिका द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य का यानी प्रोटोप्लाज्म का सबसे बाहरी लेयर तथा कोशिका के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका का द्रव्य कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्य में बाहर और कोशिका के अंदर, ये पूरी सेल है। जीव द्रव्य के बाहर होगा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, जीव द्रव्य के बाहर, लेकिन ये पूरी सेल के किसके होगा? अंदर, ठीक है। ये जो अंदर वाला है ये है प्रोटोप्लाज्म, इसके बाहर लेकिन कोशिका के अंदर वाला पार्ट ही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म, बोलो, ठीक है। ये हो गई आज आपकी थ्योरी की क्लास, उम्मीद है कि ये समझ में आई होगी विथ डायग्राम। आप लोग इसका रिवीजन जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं थ्योरी की क्लास में, मज़ेदार क्लास में, तब तक बाय बाय।